हमीरपुर जिला के गांव जलवाणी के बाशिंदों ने संपर्क मार्ग को लेकर एसडीएम हमीरपुर को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर पंचायत द्वारा संपर्क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर गांव के स्थानीय निवासी जगदीश चंद ने रास्ते पर कब्जा किया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जगदीश द्वारा जहां रास्ते पर कब्जा किया गया है, वहां पर भविष्य में गाड़ियों के आने जाने और मुड़ने पर परेशानी पैदा होगी। स्थानीय निवासियों का ये आरोप है कि जगदीश चंद द्वारा पीपल के टियाले के साथ वाली जमीन पर भी कब्जा जमाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से पीपल के टियाले पर पूजा अर्चना करते आए हैं, लेकिन जगदीश द्वारा टियाले को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि धार्मिक आस्था पर प्रहार है। स्थानीय निवासियों ने उसकी सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। वहीं पंचायत प्रधान रंजन शर्मा ने कहा कि उक्त व्यक्ति द्वारा संपर्क मार्ग के साथ वाली जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसको लेकर एसडीएम हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द जिला प्रशासन उक्त व्यक्ति से जगह खाली करवाए। ये लगभग कागजों के मुताबिक 10 से 12 15 मीटर चौड़ी मीटर चौड़ी सड़क है, लेकिन जो मौका पे हम देखते हैं वहाँ पे काम करने के लिए जब हमारी लेबर जाती है तो वहाँ पे 2 से 3 मीटर भी नहीं छोड़ी हुई जगह। हम देखते हैं कि सारे के सारे गाँव वासियों ने पशु पाल के रखे हैं, सब लोगों की तूड़ी वहाँ पे उतरती आके, बड़े बड़े ट्रक भी लेके आएंगे लोग कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, तो वो ट्रक कहाँ उड़ेंगे। हमारे स्कूल के बच्चे लगभग 3 से 4 गाँव, अंदरेड़ी रांगड़ी हमारा गाँव है, हमारा जलवाणी गाँव है, हमारे धंगोटा में गाँव है, जो खै पंचायत में आते हैं, वो सारे के सारे बस सुविधा के लिए हमारे पास आते हैं, हमारे एरिया में आते हैं, तो वो बसें स्कूल की कम से कम भी 1.5 किलोमीटर ऊपर खड़ी होती हैं। तो ये हम देखते कि पिछले 5, 7, 10 साल पहले सारी गाड़ियाँ वहाँ पर मुड़ा करती थी, लगभग सबके सारी जो गाँव वासियों के खलवाड़े वहाँ पे हैं वो सारे का सारा कवर कर लिया गया जी। तो हम प्रशासन से मांग करी, हमने डीसी साहब से मांग करी, हमने एसडीएम साहब से मांग करी, उन्होंने भेजा हमारे किसी दार जी के साहब पास भेजा कि ये ज़मीनों को खाली करवा के हमें दिया जाए। ग्राम पंचायत तो विकास तब करवा सकती है जब गांव वाले एनक्रोचमेंट हटाएंगे, और गांव वाले नहीं, साथ की लगती पंचायतों में कुठेड़ा पंचायत में कुछ लोगों ने इलीगल वहाँ पे कब्जा जमा के रखा है, और बुरी तरह कब्जा जमा के रखा है। जब कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाता तो 2-3 मीटर ऊपर खिसका देगा, वो 2-3 मीटर नीचे खिसका देगा। अब हमारे लिए तो वहाँ इंचों की कीमत है जी, फुटों की और मीटरों में तो की क्या बात करनी है। तो हमारा मानना ये है कि सरकार के जो विभाग हैं ये सारे के सारे हमें ज़मीन खाली करवा के दें। वहाँ पे धार्मिक आस्था स्थल का हमारा एक पीपल का टियाड़ा है, जो जिसकी उम्र हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, जो जिनकी खुद की उम्र 100-100 साल है, वो बताते हैं कि 500-700 साल पुराना है। अब वो कहते हैं जी कागज़ों में नहीं लगा हुआ, इसको काट देंगे। अगर किसी की मलकियत के साथ भी अगर आएगा वो तो सरकारी ज़मीन में है, और उसमें कम से कम कई कई सालों से लोग हमारे हिंदुओं में रिवाज है कि पीपल का फेरा करेंगे, हम उसको कड़ाई भी देंगे, उसमें पूजा अर्चना करेंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे। तो सारे का सारा पीपल का पेड़ तो बीच में झुंड बना के उन्होंने रख करके उसकी जड़ें खोद दी, उसको गिराने की फिराक में थी। तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और ये दबंगई करने पर उतरे हैं, बाकायदा लोग मना करते, गाँव के लोग मना करते ये काम मत करो आप, रातों रात काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको काम को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और जो भी इसकी डिमार्केशन को लेके है, हर चीज़ को लेके है, वो जो संबंधित विभाग है कार्रवाई करें। पंचायत है तो वहाँ काम करेंगे जहाँ पे ज़मीनें उपलब्ध होंगी, ज़मीनें लोगों ने दबा के रखी है तो पंचायत ने क्या करना है जी। तो ये मेरा हमारा आपसे समीक्षण है कि इस बात को उठाया जाए। धन्यवाद। कैसा है कि हमारे साथ कम से कम भी 4 गाँव की आबादी हमारे साथ खड़ी है। अभी हमारी आस्था का प्रतीक बाम पीपल का पेड़ है, और सड़कों का जहाँ तक निर्माण की बात है, अगर ये हमारी बात, हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि अगर दबंग आदमी दबंगई करने पे मजबूर है तो हम जनवाद के रूप में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो हम भी तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। हम अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे, हालांकि हम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, हम प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं, हम प्रशासन को अपनी बात बता भी रहे हैं, हम उनसे हर हेल्प भी मांग रहे हैं, लेकिन अगर कोई बात नहीं मानी गई और वहाँ पे मौका पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि अगर पिलर लगा के सड़कें बंद करी जाएंगी तो लोग बैठेंगे तो नहीं, हाथ पे हाथ लग के लोग नहीं बैठेंगे, पब्लिक तो नहीं बैठेगी। वही स्थानीय निवासी अभिलाषा ने कहा कि जहां पर इस टियाले का निर्माण किया हुआ है वे सरकारी भूमि है, लेकिन जगदीश द्वारा सरकारी भूमि पर ही कब्जा किया हुआ है, जिसे जल्द से जल्द जिला प्रशासन उक्त व्यक्ति से जगह खाली करवाए। और मैं जलवाणी गांव की निवासी हूँ, और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो पीपल के आसपास हो रही है, तो मतलब उससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, पीपल की पूजा नहीं कर पाएंगे मठों से, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा पीछे हट के करें, मतलब अपनी जगह में करें। और जो पीपल है वैसे भी वो उनकी मलकियत में नहीं है, वो पहले से और काफ़ी सालों से पूजा जाता है वो।
बिल्कुल हमने पहले भी उसकी निशानदेही करवा रखी है। जब हमने ट्याला बनाया था ना उसके चारों तरफ, तो हमने निशानदेही करवाई है। तो वो सरकारी जमीन में है, उनकी जमीन में नहीं है, उनकी ऑब्जेक्शन पे ही हमने उसकी निशानदेही करवा रखी है। वहीं इस मामले को लेकर हमीरपुर के तहसीलदार अशोक कुमार पठानिया ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायत आई है, जिसकी विभाग द्वारा जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत दी गई है कि जो सरकार का खसरा नंबर 114 इसमें कोई अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में हम जो संबंधित कानून हैं हम उनसे रिपोर्ट लेंगे और मौके पर नायब तहसीलदार या मैं भी स्वयं जाके देखूंगा कि कहीं कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो उसकी अवैध निर्माण की मिसल जो है बनाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।